गुड मॉर्निंग। देखो सेल बायोलॉजी के बारे में आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सेल बायोलॉजी में जो टॉपिक आज का हमारा होगा वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ओके, विच इज या दैट इज थिन, दैट इज थिन इलास्टिक हाइड्रोफिलिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, या इसको बोल सकते हैं इट इज द बाउंड्री विच कवर द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड लिविंग मास, ठीक है। दैट इज थिन इलास्टिक हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग नेचर है इसके पास, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सॉल्वेंट के केस में, सॉल्यूशन के केस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट जब सॉल्यूट इसके मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है इट अंडरगो सिलेक्शन, इट ओनली अलाउ सिलेक्टेड एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स ओके टू गो इन और आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज फाउंड, या बोल सकते हैं कि इट इज कॉमन इन बोथ, इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, ये टर्म कौन दिया था सेल मेम्ब्रेन का, द टर्म सेल मेम्ब्रेन was coined by Nazeli, Nageli, Nazeli and Cramer. The term cell membrane was coined by Nazeli and Cramer कब, in 1855. और जे क्यू प्लाव नाम के साइंटिस्ट ने इसका नेमिंग किया था प्लाज्मा लेमा इन 1931। जे क्यू प्लाव, ठीक है, यूज द टर्म प्लाज्मा लेमा इन 1931, यूज द टर्म प्लाज्मा लेमा इन 1931, ओके। नाउ अनदर साइंटिस्ट, ठीक है, रॉबर्टसन, यूज द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन, use the term unit membrane, उन्हें क्या नाम use किया, use the term unit membrane, ठीक है, what for plasma membrane,
फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यूज द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू सिमिलैरिटी, ड्यू टू सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन, इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स. ऑल मेम्ब्रेन्स का मतलब हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ साइटोप्लाज्म के बाहर नहीं है, बल्कि एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सभी के ऊपर भी मेम्ब्रेन है. इट मे बी वन लेयर और टू लेयर, बट दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन. और इन सभी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नियर अबाउट सिमिलर है, और सभी का कॉम्पोजिशन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन भी नियर अबाउट सिमिलर है. इसलिए रॉबर्टसन ने कहा था कि बेटर टू कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूनिट मेम्ब्रेन. यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, दीज आर सेम. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन डिस्कवर किया था? नॉल एंड रस्का ने. इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद, विच वॉज डन बाय नॉल एंड रस्का, द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वाइट क्लियर. ओके, सो लिखेंगे, क्या बोल रही है? देखो क्या होगा इसमें, इसमें क्या है, इट इज ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये किस में ऑब्जर्व किया गया? अंडर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. इट अपीयर ट्राइलेमिनर और ट्राइपार्टिएट लेयर, इट अपीयर ट्राइलेमिनर, ट्राइलेमिनर और ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर. ट्राइलेमिनर का मतलब है कि ये ट्रिपल लेयर दिखा. ट्रिपल लेयर क्यों दिखा? क्योंकि बीच में बाइलेयर ऑफ लिपिड होता है, जो दोनों तरफ से एक प्रोटीन लेयर से घेरा हुआ होता है. प्रोटीन लेयर जो लिपिड को घेरे हुए रहता है, बेसिकली इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, तो ये हो गया टैपियर ट्राइलेमिनर और ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नाउ केमिकली सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? केमिकली या सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ठीक है. तो लिखेंगे केमिकली अ सेल मेम्ब्रेन, ओके, कंसिस्ट ऑफ
लिपिड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितना से कितना परसेंट के बीच वैरी करता है? 44 to 76%, 44 to 76%। दूसरा है लिपिड, लिपिड ये तुम्हारा 20 to 53%, ये एक एवरेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो तुम्हारा 1 to 5% है, कभी कभार 8% तक चला जाता है। वाटर ये 20% है, ठीक है। इसमें डीएनए या आरएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए एंड आरएनए आर एब्सेंट। किसमें एब्सेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, बोला जा रहा है। अब इसके बाद आओ इन ह्यूमन बींग, ठीक है, हमारे अंदर जो मेम्ब्रेन होता है किसका, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। इन ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, या इसका बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट्स, कितना परसेंट प्रोटीन होता है? प्रोटीन 52% और लिपिड 40%, ठीक है, एंड लेस्ट 8% इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ प्रोटीन जो है तुम्हारा वो बेसिकली क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर इन नेचर। व्हेन वी गो थ्रू बायोमोलिक्यूल्स वी नो दैट प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो यहां पे जो प्रोटीन होगा दे आर बेसिकली ग्लोबुलर इन नेचर। प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ओके, एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन कितने तरह का होता है, इसका नेचर क्या होता है, और सेल टू सेल इसमें क्या वेरिएशंस होता है, दैट ऑल वी गॉन थ्रू नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब देखो हम लोग प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होगा? द अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर हाईली वेरिएबल। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हाईली वेरिएबल। The amount and type of protein in the plasma membrane are highly variable. Example ले लो, in the myelin membrane, myelin membrane का मतलब समझ गए? Myelin sheath,
जब माइलिन शीथ किसी भी न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर होता है तो उस न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। एंड माइलिन शीथ का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, माइलिन इज इम्परमिएबल टू नर्व इंपल्स, वो अपने ऊपर से नर्व इंपल्स को पास होने नहीं देता है। तो लिखेंगे इन द माइलिन मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इन द माइलिन मेम्ब्रेन विच सर्व मेनली, क्या सर्व करता है, विच सर्व मेनली टू इंसुलेट नर्व सेल एक्सॉन, नर्व सेल या जिसको ब्रैकेट में हम लोग पढ़ चुके एक बार और, न्यूरॉन, इंसुलेट नर्व सेल एक्सॉन, नर्व सेल एक्सॉन, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये है माइलिन शीथ का काम। अभी तुम लोगों को बताएं नॉर्मल में थोड़ा 9-10 में चले जाओ कि माइलिन शीथ जिस मेम्ब्रेन में होता था एक्सॉन का, एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीथ होता था तो उसको बोलते थे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और एक्सॉन शीथ अगर नहीं होता था तो उसको बोलते थे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे विच सर्व इन अ माइलिन मेम्ब्रेन विच सर्व मेनली टू इंसुलेट नर्व सेल, इंसुलेट का मतलब वो नर्व सेल को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इस कारण नर्व इंपल्स उससे होते हुए पास नहीं हो पाता है। इसमें क्या होगा, माइलिन मेम्ब्रेन, माइलिन शीथ भूल गए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन, तो एक्सॉन के ऊपर जब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है स्वान सेल के द्वारा तो उस माइलिन को हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। और माइलिन शीथ का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, ये नर्व इंपल्स को अपने ऊपर से पास होने नहीं देता है, इट डजंट अलाउ द नर्व इंपल्स टू पास थ्रू इट, और तब वो क्या करता है, नोड ऑफ रेनवियर, याद करो नोड ऑफ रेनवियर एक टर्म हम लोग यूज किए थे, नोड ऑफ, हाँ देखो हम डायग्राम से ही बता देते हैं, जैसे ये हो गया माइलिन शीथ, ये हम न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, ठीक है, ये हो गया साइटोन, ठीक है, सेल बॉडी जिसको बोले थे, और ये जो छोटा छोटा एक्सटेंशन है इसको बोला गया था डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, और ये जो साइटोन के बाद जो लॉन्गर एक्सटेंशन है इसको कहा गया था एक्सॉन। एक्सॉन में अगर ये क्या है, माइलिन शीथ, क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के ऊपर से नर्व इंपल्स पास नहीं होता है, लेकिन अगर नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जाएगा तो हमारा बॉडी का हर एक फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, उसके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तो फिर ये कैसे संभव है। तो ये देखो जो बीच बीच में गैप है, इन गैप को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, समझी। तो नर्व इंपल्स साइटोन से आने के बाद इस तरह से यहां पे जंप करता है और फाइनली इस पॉइंट तक आ जाता है जिसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया जिसमें इस माइलिन मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो सिर्फ 25% है, ठीक है, क्या है, 25% प्रोटीन इज लेस देन 25% ऑफ द मेम्ब्रेन मास, मतलब मेम्ब्रेन में तीन चीज है ना, एलपीसी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसमें से प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, लेस देन 25%, ठीक है। अब वैसे मेम्ब्रेन में आओ जो एनर्जी ट्रांसडक्शन में पार्ट लेता है या एनर्जी ट्रांसफर में पार्ट लेता है या एनर्जी के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है,
है ना, एनर्जी के ट्रांसफर में पार्ट लेता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो क्या करता है देखो, वेरेस वेरेस क्या होगा, वेरेस इन द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसडक्शन, एनर्जी ट्रांसडक्शन दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां कहां पे होता है, सच एज इंटरनल मेम्ब्रेन, सच एज इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ प्लास्टिक विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना, सच एज इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें होगा अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्स, ठीक है, 75% इज प्रोटीन, लेकिन यहां पे देखो प्रोटीन का परसेंटेज कितना हो गया, 75%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेल, टाइप ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, ठीक है, और द सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज, लिपिड का परसेंटेज और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज, ये तीनों लगातार वेरी करता है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, प्रोटीन के पोजीशन के अनुसार, मतलब प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां है, उसके अनुसार दो तरह का बेसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को इक्टो प्रोटीन भी कहा गया है और इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंडो प्रोटीन भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, कुछ भी बोलो, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्रोटीन फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। प्रोटीन जो है वो दो कैटेगरी में आता है। अब तुम्हारे सब सवाल होगा कौन कौन सा, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंडो प्रोटीन, इंडो प्रोटीन, ये पहला, जबकि दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा तुम्हारा एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल और इक्टो प्रोटीन, ये तीन नाम से जाना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, वन इज कॉल्ड इंटीग्रल, इंट्रिंसिक और इंडो प्रोटीन, इंडो प्रोटीन, एंड अनदर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल और इक्टो प्रोटीन, ठीक है। अब ये दोनों का नेचर समझ लो, ठीक है। ये जो तुम्हारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है इट इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड इट इज इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द लिपिड लेयर, इट इज ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज लूजली अटैच टू लिपिड
लेयर। नेक्स्ट क्या होगा, इट कंस्टिट्यूट ओनली 30% ऑफ प्रोटीन। ये जो दो प्रोटीन है इसमें से एक्सटेंसिव प्रोटीन कितना है, सिर्फ 30% है, ठीक है। एंड इट कैन बी इजिली रिमूव, इट कैन बी इजिली रिमूव, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तुमसे पूछा जा सकता है, एटीपीएस और स्पेक्ट्रीन। एग्जाम्पल है एटीपीएस और दूसरा है स्पेक्ट्रीन इन आरबीसी। ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होगा, नेचुरल है कि जब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इन दोनों में से कितने परसेंटेज है, 30% है, तो 70% ऑफ द प्रोटीन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, 70% होगा। नेक्स्ट, दीज कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, इसको आसानी से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आप, यहां तक क्लियर हो गया इंटीग्रल प्रोटीन क्या है। अब इसमें एक स्पेशल प्रोटीन का हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। वो टनल प्रोटीन क्या है पहले समझ लो, जब इंट्रिंसिक प्रोटीन थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास हो रहा है अप साइड टू अप डाउन साइड, इस तरह से दोनों, इसके दोनों का जो दोनों एंड है इसका लिपिड बाइलेयर में विजिबल है, दैट इज कॉल्ड टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद आओ फंक्शन के आधार पर प्रोटीन का टाइप्स क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया, yes, तुमको, बाकी सर? Yes, sir. देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन का टाइप्स क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया, इंजाइमेटिक प्रोटीन हो गया, ठीक है, कैरियर प्रोटीन हो गया, तो ये काम कैसे भी करता है ये भी जानना है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन, प्रोटीन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी वन ये है, लिखेंगे ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, on the basis of their function, protein of the plasma membrane, protein of the plasma membrane can also be क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन टाइप्स। फंक्शन के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है उसको थ्री मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा इंजाइम्स और तीसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट
प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में डील करेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेजर पार्ट या बोल सकते हो जो बल्क होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉलो करता है, और ये लाइपोफिलिक होता है। लाइपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग। तो लिखेंगे दीज आर एक्सट्रीमली लाइपोफिलिक। एक्सट्रीमली क्या होता है? लिपिड लविंग होता है एंड फॉर्म्स द मेन बल्क, फॉर्म्स द मेन बल्क। दैट इज, बल्क का मतलब यहां बोलना चाह रहे हैं बैकबोन। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैकबोन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आ जाओ एंजाइम्स में। एंजाइम्स में क्या होगा? दीज आर आइदर इक्टो एंजाइम और इंडो एंजाइम। दीज आर आइदर इक्टो एंजाइम्स और इंडो एंजाइम्स। दीज आर आइदर इक्टो एंजाइम्स और इंडो एंजाइम्स एंड आर अबाउट 30 टाइप्स एंड अबाउट 30 टाइप्स। अब कौन बचा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है? तो बोलेंगे These are specific. These are specific substances. ये जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, these are specific transport specific substances, या लिखो specific transport substances across the plasma membrane. Across the plasma membrane, ठीक है, and other cellular membrane. फिर से cellular membrane क्यों लिखे? Because it designate the cell membrane of the cell organelles, like we already said, plasma membrane के छोड़ के क्या क्या है? Endoplasmic reticulum, गॉल्जी बॉडी, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज याद रखना कि ये जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसमें सबसे कॉमन क्या है? एक एक्वापोरिन है, ये सब इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज, एक कॉमन एक आता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, वो तो लिपिड्स में आ जाएगा। अब हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर। अब देखो लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हम लोग कल ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं कि लिपिड जो है इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, बट द मोस्ट कॉमन लिपिड विच इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। बट अब ये फॉस्फोलिपिड भी दो तरह का होता है, एसिडिक फॉस्फोलिपिड और न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड। तो ये सब का क्या टाइप है, कितना परसेंटेज है, हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज लिपिड। लिपिड्स, ओके,
तो लिपिड्स में पहला पॉइंट क्या होगा? लिपिड्स में पहला पॉइंट ये होगा कि लिपिड्स आर, दीज आर यूजुअली फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड भी होता है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, स्टेरॉल यानी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन सबसे मेजर लिपिड कौन है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो कि 55% ऑफ द टोटल लिपिड्स होता है। अब हम लोग जानेंगे फॉस्फोलिपिड्स का टाइप क्या है। फॉस्फोलिपिड मे बी एसिडिक फॉस्फोलिपिड, एसिडिक फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में भी एसिडिक फॉस्फोलिपिड। एसिडिक फॉस्फोलिपिड कितना है? 20% है, ठीक है। सच एज, इसका एग्जांपल दे दो, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, ये एग्जांपल हो गया एसिडिक फॉस्फोलिपिड का, जो सिर्फ और सिर्फ 20% है। और दूसरा क्या है? न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड, न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड, ये न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड टोटल फॉस्फोलिपिड का कितना परसेंट है? 80%। जैसे कि सच एज फॉस्फोटेडाइल कोलीन एंड फॉस्फोटेडाइल सेरीन, ये एग्जांपल हो गया न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड। यानी कोई भी फॉस्फोलिपिड जो लिपिड में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्लाज्मा में पाया जाता है, वो दो तरह का है। पहला है एसिडिक फॉस्फोलिपिड और दूसरा है न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? दीज आर, यानी लिपिड्स आर क्या है? एम्फीपाथिक, एम्फीपाथिक, एम्फीपाथिक का मतलब दैट इज दे हैव पोलर हेड्स, इसका जो हेड है वो चार्ज है, पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल, एंड नॉन पोलर टेल। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका एक पार्ट चार्ज है दूसरा पार्ट अनचार्ज है, दैट इज कॉल्ड एम्फीपाथिक, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो अदर लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। अदर लिपिड्स फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या होगा? सेरिब्रोसाइट्स, उसके बाद गैंग्लियोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड है जो प्रोटीन में पाया जाता है, इसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है ये मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? प्रोवाइड रिजिडिटी, ठोस रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, एंड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन,
बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है स्पेशली एबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन सेल एंड इट इज टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इज एबंडेंटली फाउंड ठीक है इन मैमेलियन सेल, इन मैमेलियन सेल्स बट एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होता है, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखो कोलेस्ट्रॉल का पहला काम क्या है, ये रिजिडिटी और स्टेबिलिटी देता है सेल मेम्ब्रेन को। प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, लेकिन मैमेलियन सेल में जो कोलेस्ट्रॉल है ये एबंडेंटली फाउंड है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट एक केमिकल है कार्डियोलिपिन जो कि डाई फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम बोले, कार्डियोलिपिन। ठीक है, ये क्या है, ये है डाई फॉस्फेटाइडल ओके ग्लिसरॉल। ठीक है, ये क्या है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो कार्डियोलिपिन है ये कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लिपिड का पूरा कहानी। फर्स्ट लिपिड में बहुत तरह के लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड है, सेरिब्रोसाइट्स है, स्टेरॉल्स है। ठीक है, लेकिन इसमें से फॉस्फोलिपिड बल्क सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑफ द टोटल लिपिड फॉस्फोलिपिड अकेले 55% है। नेक्स्ट अगर फॉस्फोलिपिड के कॉन्टेक्स्ट में जाए तो ये दो तरह का है, एसिडिक और न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड। एसिडिक फॉस्फोलिपिड टोटल फॉस्फोलिपिड का 20% है और न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड टोटल लिपिड का 80% है। अगर हम एसिडिक फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल को देखें तो स्फिंगोमाइलिन, जबकि न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल को देखें तो फॉस्फोटेडाइल कोलीन एंड फॉस्फोटाइडल सेरीन। अब जो लिपिड्स होते हैं वो एम्फीपाथिक होते हैं। एम्फीपाथिक का मतलब, जैसे मान लो कि ये हेड है और ये टेल है, तो हेड होगा पोलर चार्ज और टेल होगा अनचार्ज या न्यूट्रल। ठीक है, इसको एम्फीपाथिक बोलते हैं। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल बेसिकली मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को मैमल्स में रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर हुआ पांचों को? ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड केमिकल क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में तो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, दैट इज ऑलिगोसैकेराइड। व्हाट इज ऑलिगोसैकेराइड, दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स का बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या है, डाइसैकेराइड का ले लो, सुक्रोज मेल्टोज है ना, ये सब हो गया ऑलिगोसैकेराइड का ही एग्जाम्पल। थोड़ा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को अलाउ करने दो, और अभी भाड़ा भी तुम लोग को इतना पड़ जाएगा ना कि तुम लोग को पोसाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट को अलाउ करने दो, जैसे अलाउ करेगा हम ऑनलाइन कर देंगे, ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो इसमें नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है थर्ड कार्बोहाइड्रेट। थर्ड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बो हाइड्रेट्स आर स्मॉल ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, स्मॉल ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्मॉल ब्रांच्ड और अनब्रांच चेन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स नेक्स्ट, दे कंबाइन विथ लिपिड एंड प्रोटीन टू फॉर्म आइदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल सरफेस में पाया जाता है, वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल सरफेस में और ना ही साइटोप्लाज्मिक सरफेस में पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे दे कंबाइन विथ, दे कंबाइन विथ लिपिड्स एंड proteins, they combine with lipids and proteins to form kya glycolipids and glycoprotein kahan pe on the outer surface of the membrane, on the outer surface of the membrane। ठीक है, next, ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कभी भी किसी हाल में भी इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा। नो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट इज लोकेटेड एट द, नो कार्बोहाइड्रेट इज लोकेटेड एट द साइटोप्लाज्मिक और इनर सरफेस ऑफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जितने तरह के भी ऑलिगोसैकेराइड्स किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, किसी में भी, चाहे वो प्रोटीन हो, सॉरी चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिक्स प्रिंसिपल सुगर, वो छह प्रिंसिपल सुगर का ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड ऑफ वेरियस
कॉम्बिनेशन ऑफ आर फॉर्म्ड ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ सिक्स प्रिंसिपल सुगर, सिक्स प्रिंसिपल सुगर से के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड बना हुआ है. ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स प्रिंसिपल सुगर. अब सवाल है कि ये सुगर कौन कौन सा है. देखो उसका नाम देख लो. सबसे पहले होगा डी मैनोज, दूसरा होगा डी गैलेक्टोज, एल फ्रुक्टोज. ठीक है, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, एल फ्रुक्टोज. अब एल है ना, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक, न्यूरामिनिक एसिड कुछ इंट्रांस बुक में है. ठीक है, जो तुम्हारा जैसे नेट या गेट का जो होता है उसमें एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है इसका और एक नाम है सायलिक एसिड, सायलिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल. ठीक है, ये क्या हो गया, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. तो टोटल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4. अब दो बचा क्योंकि हम लिखे सिक्स प्रिंसिपल सुगर. नेक्स्ट क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन, डी ग्लूकोजामाइन. दूसरा और लास्ट एन एसिटाइल, थोड़ा सा चेंज होगा, डी ग्लूकोज के जगह गैलेक्टोजामाइन, गैलेक्टोज एमाइन. तो टोटल ये सिक्स टाइप का क्या है, प्रिंसिपल सुगर है. और इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है इन वॉट एवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो या यूकैरियोटिक सेल का हो. दीज आर द थ्री, दीज आर द सिक्स प्रिंसिपल सुगर एंड दे अंडरगो वेरियस कॉम्बिनेशन टू फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, देखो ये पॉइंट समझा जाए रखना कि नो कार्बोहाइड्रेट इज लोकेटेड एट द साइटोप्लाज्मिक और इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चाहे वो ग्लाइकोलिपिड हो या ग्लाइकोप्रोटीन हो, इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? ठीक है, तो ये तुम लोग का क्लियर हो गया, आज इतना ही तक है ना. नेक्स्ट डे हम फिर तुम लोग को बता देंगे अकॉर्डिंग नॉर्मल क्लास से पहले, उसमें तुम लोग को हम टोटल मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल अलोंग विथ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर कर देंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.